शहीदों के सम्मान के लिए प्रदेश भर में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में यमुनानगर के जगाधरी में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कल्पार गुर्जर, इसके साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। तिरंगा यात्रा प्रताप नगर से शुरू हुई जो छछरौली अनाज मंडी, मानकपुर मंडी से जगाधरी बाईपास होते हुए जगाधरी बस स्टैंड तक निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कई साल से शुरू कर रखी और उन्हें कहा कि भाई ये जो 15 अगस्त है ये ऐसा ना हो कि सरकारी प्रोग्राम ही बन जा, तो ये उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए और अपने लोगों का जो हौसला है वो बढ़ना चाहिए। हम किसी से कम नहीं है दुनिया में। भक्ति का पर्व है, देशभक्ति का उत्सव है, इसलिए पूरे हरियाणा में तिरंगा उठाकर शहीदों का सम्मान करने के लिए हम निकले हैं। हर जगह से एक आवाज आनी चाहिए, वीर शहीदों का सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। शहीदों के सम्मान में हर हल्का मैदान में, जगाधरी मैदान में, आज मैं जगाधरी में हूँ, लोहारू से यात्रा शुरू हुई थी, अनेकों विधानसभाओं की यात्रा हो गई है, 90 विधानसभाओं में यात्रा हो रही है, किसान भी निकल रहा है, जवान भी निकल रहा है, व्यापारी भी निकल रहा है, मजदूर भी निकल रहा है, हर वर्ग के लोग इस यात्रा में निकले हैं और जिस प्रकार का देशभक्ति का उत्साह में जो दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि एक देशभक्ति के नए लेवल के ऊपर प्रदेश का युवा जाएगा। शहीदों के नाम बीजेपी की तिरंगा यात्रा, यमुनानगर के जगाधरी में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन आज किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के ओपी धनखड़ मौजूद रहे, इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री कल्पार गुर्जर भी इसमें मौजूद रहे। शहीदों के नाम बीजेपी की यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ गए। ओपी धनखड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और सर, हम यही जानना चाहेंगे जो तिरंगा यात्रा आप ये निकाल रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? आवाज नहीं आ रही है, दोबारा लगाना पड़ेगा सर। हम सुन पा रहे हैं आपको धनखड़ साहब, आपकी आवाज हमें आ रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी ये जो आयोजन कर रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है बीजेपी का? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है और हर विधानसभा में ये तिरंगा यात्रा पहुंचेगी। अब तक बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं जिनको कवर किया जा चुका है, वहां पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है और भी विधानसभाओं क्षेत्रों में आने वाले समय में इसी तरह के से तिरंगा यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जाएगी। तो बीजेपी बड़े स्तर पर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है और 15 अगस्त तक ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बीजेपी का मकसद इसके पीछे यही है कि शहीदों को सम्मान दिया जाए, यानी कि आप कह सकते हैं कि शहीदों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यमुनानगर के जगाधरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो भी इसमें शामिल हुए, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे, शिक्षा मंत्री कल्पार गुर्जर को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और भी कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। सभी देश के तिरंगे को अपने हाथों में थामे हुए, उसे लहराते हुए आगे बढ़ते रहे। और ओपी धनखड़ साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। धनखड़ साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? आ रही है। जी जी, सबसे पहले सर हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा आपकी ओर से निकाली जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि शहीदों के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और मकसद क्या है इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, मकसद ये है कि 75वां साल शुरू हो रहा है आजादी का 15 अगस्त से जी, और 2022 में 75वां हम एक तरह से इसको पूर्ण करेंगे। तो जो देशभक्ति का जज्बा है हमारे यूथ में, उसको एक तरह से बढ़ाने का अवसर यही है। मैं इस पर आमधारित सिंह दिनकर की पंक्ति दोहराना चाहूंगा जी, जब वो हुसैने वाले में गए थे राजगुरु सुखदेव की समाधि पर, भगत सिंह की समाधि पर, तो मिट्टी का टुकड़ा उठाकर एक लाइन लिखी थी जी,
तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा जी। तो ये अगर देशभक्ति अपनी नई पीढ़ी में जगानी है तो उसका एक ही तरीका है कि हम उन शहीदों को, बलिदानियों को याद करें जिन्होंने आजादी दिलाई थी और बाद में इस आजादी को बनाए रखा है। चाहे वो 65 के हैं, चाहे 62 के शहीद हैं, चाहे 71 के हैं, चाहे कारगिल के हैं, चाहे आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हुए, तो ऐसे सब को याद करते हुए तिरंगा यात्राओं का आयोजन हम कर रहे हैं और जिसका मकसद ये है कि युवा पीढ़ी को उस प्रकार की भाव भावना से जोड़ना। जी धनखड़ साहब, ये भी आप हमें बताइए कि अब तक कितने ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनको आप कवर कर चुके हैं और आगे क्या प्लान है, आगे और किस तरीके से तिरंगा यात्रा को आप बढ़ाएंगे? देखिए, यात्रा तो 90 की 90 विधानसभाओं में होने वाली है, लेकिन ये सब नेताओं की अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। मेरे जुम्मे भी जो विधानसभाएं लगी हैं वो आज यमुनानगर में थी और एक मैं धरोंडा विधानसभा करनाल से जाने वाला हूँ, एक हिसार की विधानसभा में जाने वाला हूँ, एक अपनी में रहने वाला हूँ, लोहारू में पहले रह आया हूँ जी। तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेताएं हैं उनको सबको कितनी जर्जर विधानसभा उस प्रकार से दी है, तो मैं भी ऐसे 4 विधानसभाओं में जा रहा हूं, जिसमें 2 में जा आया हूं जी। और 2 में मुझे और जाना है, एक अपनी विधानसभा की भी निकालनी है। बिल्कुल, वो 9 तारीख को है जी। धनखड़ साहब, जो आंदोलनकारी हैं उनकी ओर से भी बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन कितना सहयोग आपको अब मिल रहा है क्योंकि यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप जगह जगह जा रहे हैं, तमाम विधानसभाओं में आगे भी आपका कार्यक्रम है, वहां भी ये तिरंगा यात्रा आप निकालेंगे, क्योंकि पहले ऐलान किया गया था कि हम विरोध करेंगे, बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन बाद में हालांकि ये कहा गया कि हम किसी तरह का कोई विरोध नहीं करने वाले हैं, कैसा सहयोग आपको मिल रहा है सर? देखिए, बहुत कुछ चीजें ऐसे बड़े, मैं कहूंगा कि देश में बड़े प्रतिष्ठान होते हैं जी, देश के बड़े प्रतीक होते हैं, उनका उनका आदर सबके मन में होता है और तिरंगा से ऊपर कोई स्थान कोई ऐसा नहीं है देश में, प्रतीक नहीं है जी, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का प्रतीक होता है। इसलिए 26 जनवरी को भी जो कुछ हुआ था उससे काफी लोगों के मन में आहत हुए थे, वेदना हुई थी, ये अच्छा निर्णय लिया कि भी तिरंगे के सम्मान में जो भी कार्यक्रम हो रहा है उससे अपने आप को किसान जत्थेबंधन में दूर रख के, मैं कहूंगा कि ये ठीक निर्णय लिया है। और तिरंगे का सम्मान हर भारतीय के लिए है, 135 करोड़ लोगों के लिए है और सबने उसका आदर करना चाहिए, उसके प्रति उसी प्रकार की भाव भावना रहनी चाहिए। और कहीं भी मैं तो एक शब्द कहता हूँ कि तिरंगा वो उठाए जो तिरंगे के गौरव को संभाल के रख सके, क्योंकि जब सैनिक टुकड़ियां सलामी करने के लिए निकलती है 26 जनवरी को तो योग्यतम सैनिक के हाथ में तिरंगा होता है, जो अशोक चक्र विजेता है, महावीर चक्र विजेता है, परमवीर चक्र विजेता है, वीर चक्र विजेता है जी। तो तिरंगा उठाना अपने आप में एक गर्व और गौरव की बात है और उसके सम्मान के लिए शहीद बलिदान होता है। लोग ये कहते हैं कि तिरंगा हवा से नहीं फैलता, बलिदानियों के अंतिम सांसों से तिरंगा फैलता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।